अगर जून के महीने में और जून के पहले हफ्ते में बैंक जाना चाहते हैं आप और कोई ज़रूरी काम आपको निपटाना है तो इस वीडियो को पहले आप देखिए। बैंक की छुट्टियों की लिस्ट में बताने जा रही हूँ और उसके बाद ही बैंक जाने की प्लानिंग कीजिए कि आप किस किस दिन जा सकते हैं, क्योंकि RBI ने बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी की और उसमें एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 12 दिन जून के महीने में बैंक में छुट्टियाँ रहने वाली हैं। ये कौन कौन सी तारीखें हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारी बातें इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको सहूलियत हो अगर आप बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं बड़ी बातें आपको बताती हूँ। जून 2024 में बैंकों की हॉलीडे लिस्ट क्या है जो कि RBI के जरिए जारी की गई है ताकि आप उस हिसाब से ही बैंक जाने की प्लानिंग कर सकें। तो 1 जून 2024 यानी इस दिन चुनावी जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। ये उन उन जगहों के लिए ही बातें लागू होती है जहां जहां पे चुनाव होना है, जहां पे वोटिंग होनी है। आखिरी फेज का चुनाव है ये 1 जून को, तो उस दिन भी उन जगहों पे। आप फिर से क्लियर सुनिए, अगर आपके शहर में, आपके राज्य के किसी ज़िले में अगर उस दिन वोटिंग है 1 जून को, तो आपके यहाँ का बैंक बंद रहने वाला है। 2 जून को क्या है, 2 जून को रविवार है और इसके चलते देश भर में ये तो स्वाभाविक छुट्टी है, ये देश भर के बैंक बंद रहते हैं, साप्ताहिक छुट्टी है ये। अब मैं आती हूँ 1 और 2 जून के बाद 8 जून की छुट्टियों को लेकर। 8 जून 2024 महीने के दूसरे शनिवार की वजह से पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। अब 9 जून की बात करेंगे, 9 जून 2024 फिर वही रविवार की वजह से बैंक बंद रहेगा। लेकिन ये चूंकि लिस्ट 12 दिनों की है इसलिए हम इन सारे छुट्टियों पर भी फोकस कर रहे हैं। अब हम 16 जून की बात करेंगे, 16 जून को भी रविवार के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे और 22 जून 2024 को महीने के चौथे शनिवार की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे। ये आपको पहले से भी जानकारी है कि महीने के चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, तो ये 22 जून इसकी वजह से बंद होगा। अब बात करूंगी मैं 23 जून 2024 फिर रविवार के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे और 30 जून 2024 को फिर रविवार की वजह से ही बैंक बंद रहेंगे। और ये सभी छुट्टियां अगर आप मिलाकर देखें तो ये 12 दिनों का हो रहा है। 10 जून सोमवार है और श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब में बैंक बंद रहेंगे, ये राज्यवार है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो बैंक की इस दिन छुट्टी है, अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो बैंक की छुट्टी नहीं है। 14 जून को शुक्रवार है और इस दिन पाहिली राजा की वजह से ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे। फिर मैं आपको दोहराऊंगी ये राज्यवार स्थिति है, अगर आप ओडिशा के हैं तो वहाँ पे आपके राज्य में बैंक बंद है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य के हैं, अगर दिल्ली NCR रहते हैं आप, या फिर झारखंड रहते हैं, बिहार रहते हैं, या UP रहते हैं, या कहीं और रहते हैं, तो आपके राज्य में बैंक बंद नहीं है उस दिन। 15 जून शनिवार को उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में YMA दिवस और ओडिशा में राजा संक्रांति के कारण फिर बैंक यहाँ पे बंद रहेंगे, यानी ओडिशा में 14 जून को भी और 15 जून को भी बैंक बंद रहेंगे। 17 जून को सोमवार को क्या है वो मैं बताती हूँ। बकरीद के मौके पर फिर कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे बकरीद की छुट्टी की वजह से। अब 21 जून पे हम फोकस करेंगे, वट सावित्री व्रत के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। तो ये हमने आपको पूरे 12 दिन की लिस्ट बताई है जिसमें बैंक बंद क्यों रहेंगे, इसके पीछे क्या वजह है, और कई जगहों पे ऐसी भी बातें हैं जिसमें अगर आप ओडिशा में हैं तो बैंक बंद रहेंगे, अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो बैंक बंद रहेंगे, और जहां पे वोटिंग होनी है 1 तारीख को वहां पे भी बैंक बंद रहने वाले हैं।